रिप वैन विंकल। ये कहानी अविश्वसनीय और कमाल है, पर ये सच है। शायद हम सब के लिए उतना ही सच जितना ये रिप वैन विंकल के लिए है। एक किसान जो प्राचीन अमेरिका से था। हे रिप, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं, आता हूँ। शुक्रिया दोस्त, तुम तो कमाल हो। और बस कमाल के अलावा ये कुछ नहीं करता, पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, पसीने से लथपथ हुए, किसी काम का नहीं है ये इंसान। तुम्हारा पति एक अच्छा इंसान है विल्मा। रिप, जिस तरह तुमने हेनरी की मदद की, उसी तरह खेत में करने के लिए भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, करोगे? सबसे पहले फेंस को ठीक करो, छत टूटी हुई है, बगीचे को साफ करना है, भेड़ों को भी नहलाना होगा। क्या ये सब आज ही करना है? सब कुछ आज ही, वो भी खाने से पहले। मैं आपकी मदद करूंगा डैड। नहीं, तुम जाओ और खेलो। देखो मैंने क्या बनाया तुम्हारे लिए। बूमरैंग। थैंक्स डैड, मेरे दोस्त यहीं आ रहे हैं, मैं उन्हें जाकर बताऊंगा। नहीं, तुम्हें इस तरह करना है। नहीं, इसे उधर लेकर जाओ और ऊपर छोड़ो। बिल्कुल नहीं, उसे इस तरह बिल्कुल नहीं उड़ाते हैं। क्या कर रहे हो बच्चों, पतंग उड़ाने की कोशिश? तुम्हारी पतंग अच्छी नहीं है, ये उड़ती ही नहीं है। ओ, ठीक से बनाओगे तभी उड़ेगी। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रिप बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाने में बिजी हो गया और उसे बहुत मजा आ रहा था। उसने उनके लिए नए पतंग भी बनाए और वो अच्छे से उड़ने लगी। जब बच्चे पतंग उड़ाकर ऊब गए तो वो बूमरैंग से खेलने लगे। रिप, तुम जैसा दोस्त हमने आज तक नहीं देखा। सच में? तुम सब कितने प्यारे हो। रिप, आज फिर तुमने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने हमें पतंग उड़ाना सिखाया। वैसे किसी को तो इन्हें सिखाना ही था। इन्होंने मुझे अपना खास दोस्त भी बनाया। क्यों, अच्छा है ना? तुम अपना काम खुद कब करोगे रिप? तुम नहीं सुधरोगे। मैं अभी के अभी खेत में काम करता हूँ। रिप ने खेत में काम करना शुरू किया, पर उसने चींटियों का एक झुंड देखा जो खरपतवार खा रहे थे। वो उन्हें निकालने ही वाला था। मैं तुम्हारे खाने में दखल नहीं दे सकता। अच्छे से खा लो, फिर मैं इन्हें उखाड़ लूंगा। रिप ने देखा कि ये कैटरपिलर भी दूसरे खरपतवारों को खा रहा है। मजे लेकर खाओ दोस्त, अच्छे से खाना और बड़े होकर एक तितली बनना। रिप, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? हे, चलो यहाँ से चलते हैं। क्या कहते हो दोस्त, जंगल की ओर चले? तो रिप डॉगी को अपने पसंदीदा जगह लेकर गया और वो जगह थी कैटस्किल पहाड़ का जंगल। उसने नदी के किनारे अपने फेवरेट स्पॉट को चुना और एक पेड़ के तले लेट गया। वो ठंडी हवा, साफ नीला आसमान, सूरज की रंगत और पक्षियों और मधुमक्खियों के नजारे का आनंद ले रहा था। ये दुनिया कितनी सुंदर है ना दोस्त। सृष्टि के रचयिता ने इन सब रंगों और बनावटों को साथ लेकर कितना अच्छा काम किया है ना। काश किसी दिन विल्मा भी सबका आनंद ले सके। वो बहुत मेहनती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ वही मेहनत करती है। तुम्हें उसका हाथ बटाना चाहिए, समझे? वो कौन था, तुमने कुछ सुना दोस्त? रिप वो भारी आवाज और ताना मारने वाली हंसी को सुनकर दंग रह गया।
चिंतित होकर उसने आवाज का पीछा किया और वो आवाज उसे जंगल की गहराई तक लेकर गई, जब तक वो ऐसी जगह में पहुंच गया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्त, हम कहाँ हैं और ये क्या है? रिप ने आसपास देखा और उसने एक छोटे से आदमी को देखा जो अपनी पीठ पर एक बड़ा बैरल उठाकर ले जा रहा था। देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत ही भारी है। रिप तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हे सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? थैंक यू, हमें वहाँ ऊपर जाना होगा। रिप कड़ी मेहनत करके एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा और ऊपर तक पहुँच गया, और जब वो चोटी पर पहुँचा ऐसा लग रहा था वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच गया है। ये मैं कहाँ आ गया? मैं जूस लेकर आया हूँ। ठीक है, जब ब्रेक होगी तो पी लेंगे, इसे बोलो वहाँ ऊपर रख दे। ये बहुत अजीब था। वो आदमी स्किटल्स और बॉल का खेल खेल रहे थे पर वो जरा भी खुश नहीं थे, उन्हें मजा ही नहीं आ रहा था। क्या बात है, कमाल कर दिया। एक बात कहूँ, तुम लोग खेलने में थोड़ा जोश लाओ तो और मजा आएगा। जिंदगी बस खेल कूद और मजे करने के लिए नहीं है रिप। एक वक्त होता है आराम और मजे करने का, और एक वक्त होता है सीरियस होकर मेहनत करने का। ओ, तो वो तुम्हारी आवाज थी ना? तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? ये एक भला इंसान है चीफ, इसने मेरी मदद की है। ये उसकी प्रॉब्लम है, ये अपनी मनमर्जी से लोगों की मदद करता है। हाँ, वरना ये घर और अपनी पत्नी की खेतों में भी मदद करता। हाँ, मैं जानता हूँ, कभी कभी मेरी पत्नी थोड़ी सख्त हो जाती है, पर सच कहूँ तो वो एक अच्छी औरत है। नन्हे हरे इंसान शांति से अपना खेल वापस खेलने लगे और फिर वो थक गए और जूस पीने के लिए तैयार हो गए। सुनो रे, वो ग्लास लेकर आओ और उसमें जूस डालो, ठीक है? बिल्कुल। और जब तुम जूस डालोगे तो ध्यान रखना, अजीब चीजों से दूर रहना। मुझे अपने बारे में बताओ, तुम लोग कौन हो और तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? हम लोग जंगल और आसपास के लोगों के रक्षक हैं, और हमें बहुत दुख होता है जब कोई इतना सुस्त और आलसी होता है, कोई मकसद ही नहीं। किसी को तो सूरज और आसमान, फूल और जानवरों की तारीफ करनी होगी और बच्चों को सिखाना होगा कि पतंग कैसे उड़ाएं। तुम अभी भी नहीं समझे है ना रिप वैन विंकल, अगर तुम अपना काम सही से करते तो वीड्स के उगते ही उन्हें बगीचे से बाहर निकालना, पहली दरार दिखाई देने पर फेंस की मरम्मत करना। तुम्हारे पास इतना समय बचता है कि तुम बच्चों को पतंग उड़ाना सिखा सकते थे और साथ ही खेती भी कर सकते थे, और वो सब जो तुम्हें असल में करना चाहिए। अपनी अच्छाई का इस्तेमाल अपने आलसपन के लिए मत करो। आप जूस लोगे चीफ? और जैसे ही रिप ने चीफ के लिए जूस डाला, पहली बार उसने गौर किया कि कुछ तो अलग है, पर वो लोग तो बेझिझक पी रहे थे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और जब तुम जूस डालोगे तो ध्यान रखना, अजीब चीजों से दूर रहना, समझे? रिप ने सोचा कि शायद उन्हें वो जूस नहीं पीना चाहिए, लेकिन बाकियों ने उसे पिया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो अगर मैं इसका एक घूंट पीऊं, बस एक घूंट, ये देखने के लिए कि इसका स्वाद कैसा है। बेशक इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, मुझे नहीं। रिप, तुम एक हीरो हो जो तुम इसको ऊपर लेकर आए। थैंक यू। ये गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी जैसा लग रहा है। अब रिप अपने आप को नहीं रोक सका, उसे वो अजीब जूस पीना ही था। उसने अपनी मुट्ठी में एक बूंद लिया। चीफ ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। रिप ने उसे पी लिया। वैसे हमने तो मना किया था। जूस इतना टेस्टी था कि रिप ने थोड़ा और पिया और फिर उसने एक ग्लास में भरा और पूरा पी लिया। जल्दी ही सूरज डूब गया और चांद आसमान में नजर आने लगा। रिप को बहुत 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 नींद आने लगी। वो उस नर्म हरे घास पर लेट गया और बहुत ही गहरी गहरी नींद में सो गया। वाह, क्या दिन है आज का। सूरज उग गया, क्या मैं पूरी रात सोया? विल्मा जरूर नाराज होगी। आओ चलें दोस्त। दोस्त कहाँ गए? वो नालायक जरूर खाना खाने के लिए अकेले चला गया होगा, अब मुझे भी चलना चाहिए।
रिप वापस घर गया, लेकिन पहाड़ों के बारे में कुछ अजीब था। रिप को एक अजीब सा एहसास होने लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो गांव के अंदर गया। ये सब लोग कौन हैं और इन लोगों ने ये कपड़े क्या पहने हैं? मैं किसी को भी पहचान नहीं पा रहा। हाँ, क्या ये हेनरी है? अरे, इतना बूढ़ा कैसे? सुनो हेनरी, क्या ये तुम हो? हाँ, तुम कौन हो? रिप, क्या ये तुम हो? हाँ, तुम एक रात में इतने बूढ़े हो गए और सब कुछ इतना अलग कैसे? एक रात? रिप, तुम्हें पूरे 20 साल हो गए हैं। 20 साल? क्या ये कैसे हो सकता है? और जूस डालते वक्त ध्यान रखना, अजीब चीजों से दूर रहना, समझे? मैं 20 साल तक सो गया। ओ विल्मा! रिप वैन विंकल अपने घर की ओर भागा। उसने देखा कि सिर्फ इकलौता उसी का घर है जो पुराना है और टूटा फूटा है। उसकी पत्नी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हेनरी, विल्मा कहाँ है और मेरा बेटा? जब तुम वापस नहीं लौटे और हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, तो विल्मा अपने बेटे के साथ गांव छोड़कर अपने पापा के पास रहने चली गई। मेरा बेटा, वो बड़ा हो गया होगा ना? ओह, मैंने सुना है वो काफी सुंदर और नौजवान हो गया है, जैसे तुम हुआ करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ वो मुझ जैसा ना हो, सुस्त और आलसी। तुम एक अच्छे इंसान हो रेप। नहीं, मैं स्वार्थी इंसान हूँ। अगर मैं सच में अच्छा होता तो अपनी पत्नी का हाथ बटाता, खेत की देखभाल करता। हर समय अपने मन की करना स्वार्थ होता है। क्या उन्हें मेरी परवाह है? वो तुमसे प्यार करता है रिप, तुम्हें वापस पाकर वो बहुत खुश होंगे। इतनी जल्दी नहीं। रिप ने इरादा कर लिया था कि वो अपने परिवार से तभी मिलेगा जब वो उन्हें बता सकेगा कि वो बदल चुका है। तो उसने अपने खेत की मरम्मत शुरू की। वो दोस्त और वो सब बच्चे जो अब बड़े हो चुके थे और जिन्होंने उसे अपना खास दोस्त कहा था, उन्होंने मदद की। और आखिर में जब उसने विल्मा और अपने बेटे को वापस बुलाया तो वो लोग बहुत खुश हुए। मुझे बहुत अफसोस है विल्मा। बेटा, मेरे आलस ने हमारे 20 साल बर्बाद कर दिए, मुझे माफ कर दो। खैर, रिप वापस अपने परिवार के साथ आ गया। अगर एक चांदनी रात को आप रिप वैन विंकल से मिलोगे, आप उसे बच्चों से घिरा हुआ पाओगे जो ये कहानी सुनकर बिल्कुल भी नहीं थकते हैं कि आखिर उस रात को क्या हुआ था कैट्सकिल पहाड़ों के ऊपर। और रिप की कहानी हमेशा इसी तरह से खत्म होती थी। मेरी तरह मत बनना, हमेशा अपना काम पूरा करना। याद रहे, आलस बुरी बला है बच्चों।